नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा शराब पे, मदिरा पे। एक ज़माना था जब शराब पीना एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था, एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती थी, लेकिन आज उसको लाइफस्टाइल का अंग मान लिया गया है, एक हर रोज़ की दिनचर्या मान ली गई है, एक नई चीज़ निकल आई है, सोशल ड्रिंकिंग उसको कहा जाता है। ना केवल सोशल ड्रिंकिंग, बल्कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हमको कुछ लोग ये भी बताते हैं कि शराब पीना अच्छा होता है। तो आइए इस विषय में हमको गहराई से जानना है। सबसे पहली बात जो हमको समझनी है, शराब का जो अच्छाई वाला मामला है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। एक तरह का उसको प्रमोट करने के लिए ये उसके साथ जोड़ा गया है, तो वो कैसे काम करती है, भला करती है, उसको हमको थोड़ा गहराई से जाके पकड़ना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो सिर्फ रेड वाइन की बात करते हैं। हम रेड वाइन के साथ साथ हर तरह का, हमने सोचा कि हर तरह की शराब हमारे लिए अच्छी रहेगी। देखिए, रेड वाइन फ़ायदा जो करती है वो उन लोगों को करती है जो रेड मीट बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो उसके रेड मीट के साथ जब रेड वाइन लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा होता है। कोई और शराब और बाकी के लोग अगर उसको लेंगे तो हमको उससे नुकसान ही होने वाला है। और उनके अंदर भी वो तभी काम करती है जब उसको बहुत धीमे से, बहुत लंबा समय लगा के, चुस्कियों में थोड़ा थोड़ा करके लिया जाता है, तब तक तो वो काम करती है। उसके अलावा शराब हर तरह से जहर है, ये हमको समझ के चलना चाहिए। वो जो उसके लाभ की भी बात होती है रेड वाइन की, वो उसमें एक तत्व होता है रेसवेट्रॉल। तो वो रेसवेट्रॉल तो आप अंगूरों के जूस से भी ले सकते हैं, अंगूरों से ही ले सकते हैं। उसके लिए शराब की आदत डालना बहुत बड़ी नादानी होगी। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो शुरू इसलिए कर बैठते हैं कि इससे कोई हमको लाभ मिलेगा। वो लाभ बेकार की बात है। आप बड़े आराम से अंगूर या अंगूरों के रस से, ये सच पूछे तो बहुत से फलों से वो लाभ उठा सकते हैं। तो शुरू करने की तो बात ही नहीं। अब जो पीते हैं उनको कितनी और कैसे पीनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जो पहली बात हमको समझनी है कि हमारा शरीर, खासतौर पे हमारा लिवर, वो तो एक बूंद को भी पसंद नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। हमको बाहर से पता नहीं लगता, लेकिन वो हमको नुकसान तो वो भी करता है। उसको कैसे हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं उस बारे में बात की जा सकती है, लेकिन ये तय है कि उसकी हर बूंद हमारे लिए जहरीली है। दिक्कत ये है कि एक तो हमारा जो लिवर होता है वो इतना स्ट्रांग अंग है, इतना मजबूत है कि शराब जैसी जहरीली चीज़ को भी वो दसियों बीसियों साल तक बर्दाश्त करता रहता है। तो हमको अंदर अंदर डैमेज होता रहता है, हम उसको देख नहीं पाते, और जो हम देख भी पाते हैं वो इतना लेट आता है कि हम उसको समझ नहीं पाते। कई लोग कहते हैं कि हम तो अब आदि हो गए हैं, वी कैन होल्ड आवर ड्रिंक, अब हम अपने इसको बर्दाश्त करने के लायक हो गए हैं। सबसे पहले हमको उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि लायक वायक कोई नहीं होता। ऐसा है कि हमारे शरीर में कोई भी अनुचित तत्व जब जाता है तो उसको अपने शरीर से नुकसान करने पर बचाने के लिए हमारे अंदर जो हमारी आर्मी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमको उससे बचा के रखता है। आपने देखा होगा जब भी कोई पहली बार शुरुआत करता है पीने की, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत जोर से आपको बचाता है। वो प्रोटेस्ट करेगा, आपको तबीयत खराब होगी, शायद उल्टी आएगी, बहुत गड़बड़ होगी। ये हमारा जो रिएक्शन होता है इसीलिए कि आपका इम्यून सिस्टम उसको पसंद बिल्कुल नहीं करता। अब आप इम्यून सिस्टम को अपने घर में जो आपने गार्ड डॉग रखे हुए हैं जैसा समझिए। मान लीजिए आपने चौकीदारी पर घर में कुत्ते पाले हुए हैं, तो जब भी कोई चोर, उचक्का, डाकू वहाँ पर आएगा तो कुत्ता बहुत ज़ोर से भौंकेगा या उसके पीछे जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके घर में चोर आए, आपके कुत्ता भौंका और आपने उन चोरों को पकड़ लिया, भगा दिया,
कुत्ते को शाबाशी दी या कुछ खाने को दे दिया, तो इतनी अक्ल उसमें भी होती है कि अगली बार फिर वो और चौकस होके आपके घर की रखवाली करता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मान लीजिए आपके यहाँ चोर आए, आपका कुत्ता भौंका और आपने बजाय चोर को भगाने के कुत्ते की ही पिटाई कर दी कि भाई क्यों शोर मचाते हो, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब क्या होगा, अगली बार जब कोई आपके यहां चोर आएगा तो कुत्ता भौंकेगा जरूर, लेकिन थोड़ा कम भौंकेगा। मान लीजिए आप दूसरे दिन भी पिटाई कर देते हैं तो अब उसकी आवाज और कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये 15-20 दिन तक यही होता रहता है कि हर बार कुत्ते को सजा मिल जाती है, तो एक दिन फिर कुत्ता कहेगा कि मेरा भौंकना गलत है, मैं क्यों परेशान हूं, आराम से सोते हैं, घर में चोर आएंगे वो कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल यही हमारे साथ होता है जब हम शराब पीना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा आम लोगों के साथ क्या होता है कि 16-17 की उम्र में, खासतौर पर जो हम स्कूल को पास करते हैं, तो पहली बार बियर का या कुछ शराब का सेवन शुरू होता है, और जैसे ही कोई पीता है तो बहुत तबीयत खराब होती है, उल्टी आएगी, चक्कर आएंगे, बेचैनी होगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अभी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आम आदमी को ये पता नहीं होता, उसके साथ ही खासतौर पर जो सीनियर्स होते हैं वो कह देते हैं कि भाई अभी तुम बच्चा हो, तुम शराब पीने के लायक नहीं हो। अब आपको मालूम ही है उस उम्र में कोई भी बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता, उसको बड़ा अजीब लगता है कि मेरे साथ ही कहा गया, तो वो उसे कोई लेसन सीखने की बजाय वो कहता है कि कल फिर कोशिश करूँगा मैं। अगले दिन वो दोबारा पीता है, इस बार भी रिएक्शन होता है, 3-4 दिन तक उसको रिएक्शन जब होता रहता है तो उसको सुनने को ही मिलता रहता है कि तुम बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो। 7-8-10 दिन लगा के फिर वो उसको पीता रहता है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो फिर सोचता है कि इसको बताने का क्या फ़ायदा है, तो मेरी सुनते ही नहीं है, अब वो आपको बताना बंद कर देता है। अनफॉर्चुनेटली ये समझ पाने की बजाय कि हमने अपने पूरे के पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर लिया, हमारे मित्र हमको इनकरेज करते हैं कि हाँ अब तुम जवान हो गए या तुमको शराब पीनी आ गई, यू कैन होल्ड योर ड्रिंक। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हो ये रहा है कि अब उसने आपको खबर करनी बंद कर दी। जैसा मैंने अभी बताया, आपके शरीर का सबसे स्ट्रांग अंग, सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई भाग है तो आपका लिवर है, तो अब ये सारी मुसीबत जो आप डाल रहे हैं अपने ऊपर, ये अब आपके लिवर को झेलनी पड़ेगी। आप महीना भर पीते रहे हैं, अब लिवर क्योंकि इतना स्ट्रांग है, आपको ना तो किसी तरह की कोई दर्द या तकलीफ होगी और ना ही किसी मेडिकल रिपोर्ट में आएगा, और आप समझेंगे कि हाँ साहब हम पीने के लायक हो गए। लेकिन अंदर अंदर डैमेज हो रहा है, पहले 1%, फिर 2%, काफी जब ये खराब हो जाता है, एक हद से ज्यादा खराबी आ जाती है, तब जाके हमको तरह तरह के दर्द या कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में हमारी खराबी आनी शुरू होती है, डैमेज हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि तब तक हमको आदत पड़ चुकी होती है, तो तब भी हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास जाना अवॉइड हो जाए। लेकिन अगर आप चले भी जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई जरा शराब से नुकसान हो रहा है, इससे बच के रहिएगा। डॉक्टर और भी 20 बातें कहते हैं, हम इसको भी इग्नोर कर जाते हैं। हालांकि अगर हम उस स्टेज पर भी वापस हो जाएं, रुक जाएं, तो हम काफ़ी हद तक इसके जो दुष्परिणाम है उससे बच सकते हैं। लेकिन हमारे यार दोस्त कहना शुरू कर देते हैं कि अरे नहीं, तुमको नहीं पता, 2 पैक तो बहुत अच्छे होते हैं, सोशल ड्रिंकिंग तो कर लेनी चाहिए, खाना अच्छा खाते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, ये सब बातें होनी शुरू होती हैं। लिवर कितना बर्दाश्त करेगा। एक हद के बाद जब हमारी ये गलती बढ़ जाती है, तो फिर आपको देखा ही होगा कि सिरोसिस ऑफ लिवर वगैरह हो जाता है, तब फिर ठीक करना बहुत असंभव हो जाता है। बदकिस्मती से इस तरह की हालत तो कुछ कम लोगों के साथ होती है कि बिल्कुल लिवर खराब ही हो जाए, लेकिन आम लोग भी जो उससे कम भी पीते हैं, नुकसान उनको भी झेलना पड़ता है। मैंने बात की कि लिवर हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग तो है ही, इसके अलावा सबसे ज़्यादा काम भी यही करता है। आप हैरान होंगे कि शरीर के 500 से ज़्यादा फंक्शंस आपका लिवर कंट्रोल करता है। अब अगर वो 1% या 2% या 5% खराब होता है, तो आपके ये 500 फंक्शंस धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो
ये कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इससे हमको नुकसान नहीं होगा, ये तो नुकसान करेगा ही आपको, इससे आप बच नहीं पाएंगे किसी भी कीमत में। जितना ज़्यादा पीते हैं उतना जल्दी नुकसान होगा। ये हमारे शरीर की खूबी है कि इतने दिनों तक उसको बर्दाश्त कर लेता है। ये नहीं कि असर नहीं हो रहा, लेकिन वो आपके आंखों में नहीं आ रहा। आपने बहुत से केस देखे होंगे जिन्होंने शराब पी पी के अपनी तबीयत खराब कर ली हो, लेकिन ऐसा केस नहीं आया होगा कि अभी कल पीनी शुरू की और आज ही तबीयत खराब हो गई हो। शराब जैसी चीज़ को भी वो दसों बीसों साल तक बर्दाश्त करता है। तो हमको ये देखना है कि जहाँ तक अवॉइड कर सकें पहले तो आप हाथ ही मत लगाइए, लेकिन अगर आप लगा भी रहे हैं, मजबूरी है, तो उसके बारे में कैसे उसके डैमेज को या उसकी परेशानी को कैसे मिनिमाइज करना है उसके बारे में हमको बात कर लेनी चाहिए। एक तो क्वालिटी हमेशा अच्छी लें। आपने ये भी देखा होगा कि घटिया शराब जल्दी असर करती है, जितनी वो तेज़ होगी उतना ही उसको लिवर पे अटैक ज़्यादा होगा। बाकी की चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम से घूमती हैं, धीरे धीरे अंदर पहुँचती हैं। शराब को आपका पेट कहता है कि भाई हमारे बस का रोग नहीं है, वहाँ पे डाइजेस्टिव पोर्टल्स होते हैं, उनके जरिए सारा लिवर पे डाल दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसका सबसे जल्दी असर किसी चीज़ का हमारे शरीर पे पड़ता है तो शराब का पड़ता है। तो अच्छी वाली ली जाए, लेकिन कितनी देर में आप उसको अंदर पहुँचाते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको वाकई अपने लिवर को बचा के रखना है तो आपका फॉर्मूला ये होना चाहिए, एक तो छोटा लेना है। जब भी पैग आपका जितना छोटा ले सकें उतना छोटा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वो छोटा पैग भी जिसमें बहुत पानी पड़ा हुआ है उसको आपको नर्स करना है, यानी धीरे धीरे। अगर आप उसको 75 मिनट में पीते हैं तब तो आपका लिवर उसको मेटाबोलाइज कर सकता है, अगर आपने 70 मिनट में भी पिया तो वो अंदर आपके नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। दुर्भाग्यवश होता ये है 75 मिनट में तो हम पूरी बोतल पीना चाहते हैं और साथ में उसको ना सिर्फ कम पानी, तो बात ही छोड़िए, नीट पीने का बड़ा हमको लगता है कि नीट पीना कोई बहादुरी की बात है। ये बहादुरी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है। जब हमको पता है कि वो जहर है तो वो हमको सोचना होगा कि हम इसको जानबूझ के क्यों अंदर डाल रहे हैं। शराब को पीना ऐसे ही होगा जैसे जानबूझ के आप अपने घर में चोर उचक्के डाकुओं को आने का मौका दें, वो तो नुकसान करके ही जाएंगे, आप बच नहीं सकते। तो ये धीमे पीना हमको मजबूरन सीखना ही पड़ेगा अगर हम पीने की गलती कर रहे हैं। तो देखिए ना, ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि हम कोई शराबी थोड़े हैं, हम तो सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग करते हैं। तो अगर आप सोशल ड्रिंकिंग करते हैं तो फिर सोशल तरीके से पीजिए ना। आपको पार्टी में रहना है, हाथ में ग्लास लेके घूमना है, तो फिर आप पीने की जल्दबाजी क्यों करते हैं? उसको आप धीरे धीरे लेंगे तो लिवर उसको झेल पाएगा। दूसरा इसके साथ उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि आपकी बाकी की जो खाना पीना है वो बिल्कुल उचित होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि इधर शराब भी आप पिए जाएंगे और आपका खाना भी साथ में अगर गड़बड़ होगा तो उसका नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है और आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात ये होती है कि आप दिन में किस समय पी रहे हैं। अब आप शाम को थोड़ा सा ड्रिंक ले लेते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक पीते रहेंगे तो उसको शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये हमको संभल के रहना चाहिए उसके बारे में। और एक इस बात का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस स्टेज पे उसको पी रहे हैं। दुनिया में ज्यादातर क्या होता है कि ड्रिंकिंग जो है वो आफ्टर डिनर एक्टिविटी है, पहले वो लोग सफ़र निपटा लेते हैं, उसके बाद बैठ के अपना एक या दो पैग लेके जो जेंट्स होते हैं वो अपना अलग कमरे में चले जाएंगे पीने के लिए। हमारे यहाँ खाना सर्व होने से पहले पहले उसको निपटा दिया जाता है, तो उस वक्त पेट खाली होता है तो शराब हमारी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उस पर कहीं गुना ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये हम छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ जो आपको एक्सरसाइज की जो ज़रूरत है, फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी आपको उसके साथ जोड़ के रखनी होगी। अगर आपका फिजिकल मूवमेंट वीक है तो फिर ये शराब आपको और ज़्यादा नुकसान करेगी।
तो हम कम शब्दों में कहें तो पहली बात ये कि आपको इससे जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। कभी भी ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि मुझे किसी तरह का लाभ करेगी, और अगर फिर भी मजबूरन इसको आप कर ही रहे हैं तो इसको इस ढंग से लें कि ये आपके ऊपर कम से कम नुकसान कर सके। एक बार बार दोहराना चाहूँगा कि इसकी एक बूंद भी हमारे लिए जहरीली होती है। हम बाकी के खानों तक को ध्यानपूर्वक खाना चाहते हैं, रोटी दाल सब्जी भी कैसे खानी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं होलिस्टिक हीलिंग में, क्योंकि वो भी हमको नुकसान करती है। तो ये तो इतनी ज़्यादा खतरनाक अपने आप में है कि आप किसी भी तरह से इसको लेंगे तो बर्बाद होंगे। वो जो लोग बात करते हैं कि नहीं साहब सोमरस तो बहुत पुराने ज़माने से पिया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी नादानी की बात है। सोमरस के क्या इंग्रेडिएंट थे आज कौन जानता है। तो कभी भी इस प्रोपेगेंडा में मत आइएगा कि इसका कोई हमको लाभ होने वाला है या इसका ज़रूरी है। और सच पूछिए तो एक बात और भी देखिएगा, शुरू में अगर आप सोशल गैदरिंग में भी हैं तो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में दूसरे को समझाना या कहना नहीं लीजिए साहब हमको थोड़ा सा जोर लगाना क्योंकि हमारा फैशन है, तो इसलिए लोग कहेंगे ज़रूर। लेकिन अगर आप सख्ती से मना करते हैं तो भी वो कहेंगे, पर मन में आपकी इज्जत ही करेंगे। मुंह पर सब यही कहते हैं कि अरे हमारे साथ नहीं रहोगे तो कैसे होगा, आप हमारे कंपनी से एक पी लीजिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। आपने भी देखा होगा कि आप ही के कोई मित्र अगर सख्ती से मना करते हैं तो पीठ पीछे उनकी तारीफ ही होती है। तो इस सोशल प्रेशर में आके पीने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रहा हाथ में लेके घूमने का, तो उसमें आप किसी जूस का या किसी चीज़ का भी ग्लास लेके घूमेंगे तो ऐसा कोई इसको एक एक्सक्यूज के तौर पे मत यूज़ कीजिए कि ज़रूरी हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो पब्लिक लाइफ में हैं और हाथ भी नहीं लगाते हैं। मुझे एक आर्मी जनरल जाना करते थे तो बड़े कट्टर तौर से वो शराब से बचते थे, तो लेकिन आम तौर पे कहा जाता है कि आर्मी में तो बहुत पी जाती है। तो उनके पास जब भी कोई जाता था तो उनका बड़ा खूबसूरत एक डायलॉग होता था कि नहीं साहब मैं नहीं पीऊँगा, मुझे बेवकूफ़ियाँ करने के लिए शराब पीने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही कर लूँगा। तो जिसने मना करना है वो कहीं भी मना कर सकता है। आपके अंदर वो सोशल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर आपका पहले से ही मन है तो फिर आपको 20 बहाने तैयार रहते हैं कि मैं इस वजह से पीता हूँ उस वजह से पीता हूँ। ये मान के चलिए कि ये आप अपने घर में खुद सांप घुसाने के या बिच्छू घुसाने का काम कर रहे हैं। इससे आप जितना बच के रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा।